आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आने वाले सप्ताह में किन किन राशि वालों का भाग्य चमकेगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हमें मिलेंगे, सर्वार्थ सिद्धि कितने हमें मिलेंगे। आने वाला सप्ताह अर्थात 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक का पंचांग हम देखेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह कौन कौन से सर्वार सिद्धि योग हमें मिलने वाले हैं। तो इस सप्ताह 2 सर्वार सिद्धि के योग हमें मिलेंगे। एक 28 नवंबर को शाम 5:35 से शुरू होगा और रात्रि अंत तक रहेगा। दूसरा सर्वार सिद्धि का योग हमें 3 दिसंबर को दोपहर 1:09 से रात्रि अंत तक मिलेगा। इसमें हम कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, विशेष साधना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस सप्ताह कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हमें मिलने वाले हैं। तो 30 नवंबर को एकादशी रहेगी। जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं वो लोग 30 दिसंबर मंगलवार को रख सकते हैं। प्रदोष व्रत और शिव चतुर्दशी का व्रत 2 दिसंबर गुरुवार को रहेगा। 4 दिसंबर को शनि अमावस्या भी आएगा, जिसमें हम प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, रोग मुक्ति हेतु अनुष्ठान कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं किन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है इस सप्ताह 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच। सप्ताह के शुरुआत में सिंह राशि और कुंभ राशि वालों के जीवन में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। आपके रुके काम पूरे होंगे। अगर आप सट्टा बाजार से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। सिंह राशि के प्रेमियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। 29 नवंबर को सुबह 4:05 से 1 दिसंबर को सुबह 7:45 के बीच कन्या राशि और मीन राशि वालों को शुभ समाचार मिलेंगे। आपके रुके काम पूरे होंगे। कन्या राशि वालों को भूमि और वाहन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो फैसला आपके हक में आने के योग मजबूत होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें भी साथी मिलने के योग मजबूत होंगे। अकस्मात कोई शुभ समाचार आपको रोमांचित कर सकता है। एक दिसंबर को सुबह 7:46 से 3 दिसंबर को सुबह 8:27 के बीच तुला और मेष राशि वाले लोगों को लाभ मिलने के योग बनेंगे। तुला राशि के लोगों का पराक्रम बढ़ेगा। कामकाज के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। भूमि और वाहन खरीदने के योग मजबूत होंगे। मेष राशि वालों को अपने बोली पर नियंत्रण रखना होगा, साथ ही अपने क्रोध पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर आप विवाह के लिए साथी ढूंढ रहे हैं तो आपको इस सप्ताह सफलता मिल सकती है। किसी करीबी के सहयोग से रुके काम पूरे होने के योग मजबूत होंगे। आने वाले सप्ताह के अंत में वृश्चिक और वृषभ राशि वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे। वृषभ राशि के जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उन्हें साथी मिल सकता है। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार बढ़ने के योग बनेंगे। लाभ बढ़ेगा, नई पहचान मिलेगी और लोगों से नए संपर्क भी होंगे, जिसके कारण आप व्यस्त भी खूब हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, अतः ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों को नाम और यश की प्राप्ति के योग बनेंगे। काम काज में बहुत अच्छा बदलाव होगा। भविष्य के लिए आप बहुत अच्छी रणनीति बना पाएंगे। तो इस सप्ताह 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2021 तक सिंह, कुंभ, कन्या, मीन, तुला, मेष, वृश्चिक और वृषभ राशि वालों को विशेष बदलाव अपने जीवन में महसूस हो सकते हैं। अगर आप अपनी
कुंडली के अनुसार ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है आने वाले समय में, परेशानियों का क्या समाधान हो सकता है कुंडली के अनुसार, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप जान सकते हैं आपका विवाह के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने कुंडली में मौजूद दोषों के बारे में, अपने भाग्यशाली रत्न के बारे में। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको आने वाले सप्ताह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। इसी प्रकार के नए वीडियोस को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।